हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटक इन हिंदी चैनल। दोस्तों आज हम सीखेंगे विंडोज 7 इंस्टॉलेशन और एक ही वीडियो में उसका पूरा सेटअप, और साथ में सीखेंगे हैकर से कैसे बच सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर के। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीडी ओडीवीडी को सीडी ड्राइव में डालेंगे और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे। हमको सीडी से कंप्यूटर को बूट कराना है, इसलिए जल्दी से कोई भी की प्रेस करेंगे सीडी से बूट होने के लिए। विंडोज लोडिंग हो रहा है, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से इंग्लिश। दोस्तों हमें ध्यान रखना है, कस्टम एडवांस सेलेक्ट करना है ताकि ड्राइव को अपने हिसाब से सेट कर सके। मेरा लास्ट यानी ई ड्राइव में डाटा है, इसलिए उस ड्राइव को डिलीट नहीं करूंगा। बाकी ड्राइव को डिलीट करने के लिए ड्राइव ऑप्शन एडवांस में क्लिक करेंगे और ड्राइव को सिलेक्ट करके डिलीट में प्रेस करेंगे। नए ड्राइव क्रिएट करने के लिए अनलोकेटेड स्पेस को सिलेक्ट करके न्यू में प्रेस करेंगे। सी ड्राइव में ज़्यादा स्पेस रखना है ताकि फ्यूचर में और एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सके। 170 GB डाटा के लिए 170 के बाद 000 लगाना है और अप्लाई में क्लिक करना है। यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक 100 MB का रिजर्व्ड पोर्शन रखाएगा जो कि हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। लास्ट अनलोकेटेड पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे, न्यू प्रेस करेंगे। इस बार हम पूरा स्पेस सेम रखेंगे और ध्यान से पोर्शन 2 यानी सी ड्राइव में सिलेक्ट करके नेक्स्ट में प्रेस करेंगे उस ड्राइव में विंडोज फाइल को इंस्टॉल करने के लिए। दोस्तों मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस टाइम को कट किया है। अभी कंप्यूटर ऑटो रिस्टार्ट होगा। ध्यान रखना है इस बार कोई भी की प्रेस ना हो, क्योंकि इस बार बूट हार्ड ड्राइव से होना है। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, इसके लिए तो लाइक शेयर जरूर बनता है, और हाँ सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा ताकि आप तक हमारे टेक्निकल वीडियो पहले पहुंच सके। दोस्तों हमारा विंडोज 7 इंस्टॉलेशन लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ अपना कोई भी यूजर नेम सिलेक्ट कर सकते हैं और पासवर्ड लगा सकते हैं। मैंने पासवर्ड ब्लैंक रखा है। ऑटोमेटिक अपडेट नहीं चाहते हो तो आस्क मी लेटर में सिलेक्ट करें। चेन्नई कोलकाता वाला टाइम सिलेक्ट करें। हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मैंने जो ड्राइव डिलीट नहीं किया वो
ई ड्राइव का डाटा बिल्कुल सही है। हम अभी डी ड्राइव को डबल क्लिक करके फॉर्मेट डिस्क सिलेक्ट करके क्विक फॉर्मेट करेंगे। डेस्कटॉप आइकॉन के लिए स्टार्ट में टाइप करेंगे डेस्कटॉप और सिलेक्ट करेंगे शो और हाइड कॉमन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। जरूरत के मुताबिक चेक में क्लिक करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। स्क्रीन को सेटअप के लिए डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे, स्क्रीन रिजोल्यूशन में क्लिक करेंगे और जरूरत के मुताबिक सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड के लिए माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में क्लिक करेंगे, यूजर सिलेक्ट करेंगे। अपना यूजर एडमिनिस्ट्रेटर डिजेबल रहता है, चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल कर सकते हैं और मैंने जो देव यूजर बनाया था उनको भी पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इथरनेट ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर कोई कोई कंप्यूटर में ऑटो इंस्टॉल नहीं होता, तो उसके लिए मदरबोर्ड का सीडी से ड्राइवर को इंस्टॉल करें। मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके लिए मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। आप चाहे तो ड्राइव क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करें और ड्राइव में राइट क्लिक करें और श्रिंक वॉल्यूम में क्लिक करें। जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो हमारा ड्राइव शेयर रहता है, उसको अनशेयर करने के लिए शेयर फोल्डर में क्लिक करें, शेयर्स में क्लिक करें, ड्राइव में राइट क्लिक करें और स्टॉप शेयरिंग में क्लिक करें। रिमोट एसिस्टेंस को ब्लॉक करने के लिए माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में क्लिक करें, अनचेक करें एलो रिमोट में। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।